देते हैं राइडर्स की हेल्प करने के लिए। दिस इज अर्पित जैन हियर और मेरा ये पहला वीडियो है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपना स्टोर दिखाऊं एक बार और क्या क्या हम चीजों में डील करते हैं और एग्जैक्टली हमारा स्टोर किस चीज का है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा स्टोर जो है वो राइडिंग गियर्स एंड एसेसरीज से रिलेटेड होता है, जो बाइक राइडिंग पे यूज होती है, जो राइडर्स बाइक राइड्स करते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, सेफ्टी गियर्स पहनते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गया, पैंट्स हो गया, डेनिम्स हो गए, जिसमें आर्मर्स और इंसर्ट्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपके एब्रेशंस और एक्सीडेंट्स के टाइम पे। फिर जैसे कि आप पीछे देख ही रहे हो कि आपको हेलमेट्स दिख रहे हैं बहुत सारे, तो मैं चाहता हूं कि आपको आज मैं एक टूर दे दूं मेरे स्टोर का और किस किस ब्रांड्स में हम डील करते हैं और उसका एक आपको एक ग्लिम्स दे दूं मैं। बाकी तो मैं आपको फ्यूचर में हर प्रोडक्ट पे छोटे छोटे वीडियोस बना के क्या प्रोडक्ट हमारे पास नया आ रहा है उसकी अपडेट्स मैं आपको वीडियोस में स्मॉल स्मॉल वीडियोस में देते जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं हेलमेट सेक्शन, तो हेलमेट सेक्शन में हम डील करते हैं LS2 के बहुत सारे हेलमेट्स आपको दिख जाएंगे हमारे पीछे, जिसमें आपको डुअल वाइजर हेलमेट्स भी मिल जाते हैं, सिंगल वाइजर हेलमेट्स भी मिल जाते हैं जो ISI और यूरोपियन मार्केट सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। तो एक तो LS2 हो गया जिस ब्रांड में हम डील करते हैं, दूसरा हो गया SMK के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं हेलमेट्स में, जैसे कि आपके मॉड्यूलर हेलमेट्स हो गए, फुल फेस हेलमेट्स हो गए, ये सारे हेलमेट्स की रेंज हमारे पास SMK में भी एक अच्छी खासी रेंज हो जाती है। साथ हमारे पास एक और ब्रांड है जिसका नाम है एग्जॉर्क, जो वेगा का ही एक अपग्रेडेड वर्जन जिसको आप बोल सकते हो, हायर एंड वर्जन बोल सकते हो आप, उसी तरह हमारे पास लोअर एंड में वेगा है, स्टर्ड है। तो ये बात हो गई हेलमेट के सेक्शंस में, जिसमें हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया फुल फेस एक हो गया सीरीज, एक हो गया मॉड्यूलर सीरीज, एक हो गया ओपन फेस सीरीज जो डेली कम्यूट्स के लिए लोग यूज करते हैं स्कूटीज पे और किसी किसी को लॉन्ग राइड्स पे भी वो पसंद होता है यूज करना, तो वो इस टाइप के हमारे पास हेलमेट्स अवेलेबल है, मॉड्यूलर, फुल फेस और आपका ओपन फेस हेलमेट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू अदर सेक्शन, मैं और भी सेक्शन दिखा देता हूँ कि हमारे स्टोर पे और क्या क्या सेक्शन में क्या क्या स्टफ अवेलेबल है। तो जैसे कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, मैं चाहूंगा कि आपको नीचे दिखाया जाए कि हमारे पास जाना की एसेसरीज है पूरी हमारे पास अवेलेबल है। उसी में हमारे पास एक और ब्रांड अवेलेबल है जाना के साथ जो है मोटो टॉर्क, तो ये सारी एसेसरीज हमारे पास अवेलेबल है। डिटेल में मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस उन हर प्रोडक्ट पे बनाऊंगा तो आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। तो बाकी मूव ऑन करते हैं और भी चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि मैं चाहूंगा आपको यहाँ पर एक बार वीडियो से दिखाया जाए कि हमारे पास ऑफ रोडिंग सेगमेंट में भी थोड़ा बहुत हेलमेट्स है हमारे पास अवेलेबल। तो जैसे कि ये LS2 के हेलमेट्स हैं, तो इसमें ऑफ रोडिंग हेलमेट्स भी हमारे पास थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्लव्स का सेक्शन है, ग्लव्स के सेक्शन में भी मेरे पास फुल गाउंटलेट से लेके सेमी गाउंटलेट से लेके सिटी राइडिंग ग्लव्स, लेदर ग्लव्स, कॉटन ग्लव्स, मतलब अच्छी खासी एक वैरायटी हमने रखी है हर राइडर की नीड को समझते हुए। जैसे कि कोई सिटी राइड या शॉर्ट राइड कर रहे हैं तो उनको ज्यादा हैवी ग्लव्स और नहीं चाहिए होते हैं क्योंकि उनको थोड़ी देर के लिए ही पहनना होता है स्मॉल। अभी आप जैसे कि देख पा रहे होंगे हमारे पास एक सेक्शन है शूज का सेक्शन, तो राइडिंग में जैसे कि सेफ्टी आती है तो सेफ्टी गियर्स में शूज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जैसे कि आपको जैकेट्स होते हैं, पैंट्स होते हैं, डेनिम्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, वैसे शूज भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो शूज में भी हमारे पास एक वाइड रेंज अवेलेबल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओराजो के बूट्स हमारे पास सारी की सारी रेंज में अवेलेबल है। अलग अलग कलर आते हैं, ब्लैक कलर हो गया, उस ब्लैक कलर में भी ब्लैक ऑरेंज, ब्लैक ग्रे आता है, कोकोआ कलर एक नया सीरीज आ गया है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ में शॉर्ट बूट्स, लॉन्ग बूट्स जो होते हैं उनके, जैसे 8 इंच के आते हैं शूज जिसको हम हाई लेंथ बोलते हैं, और एक और बड़े वाले शूज आते हैं जिनको हम थोड़े से जो शीन प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, तो वो भी अवेलेबल है मेरे पास ओराजो के। और उसी में ही हमारे पास और ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे कि सोलेस हो गया, वो सोलेस के शूज एक अवेलेबल है हमारे पास, देन XDI इज अवेलेबल है, XDI के शूज अवेलेबल हैं जिसको आप टूरिंग और ट्रैक दोनों पे यूज कर सकते हो। इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक एक वीडियो में देते जाऊंगा कि क्या इनकी फीचर्स हैं, क्या सेफ्टी प्रोटेक्शंस ये आपको ऑफर करते हैं, कौन से शूज बेटर होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। तो एक और चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि वैसे तो प्रोडक्ट्स के बारे में
आपको डिटेल देते जाऊंगा अलग अलग वीडियोस में, बट ये एक चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शूज के ऊपर रेनी सीजन में, या आप ऐसे जगह जा रहे हो जैसे कि आप लद्दाख लद्दाख जा रहे हो या कहीं और ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे वाटर आपको मिल सकता है, तो एक ये शूज का रेन कवर आता है जिसको आप ओवर शूज पहन सकते हो। और इसकी खासियत, सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये एक सोल के साथ आता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एक्स्ट्रा सोल है इसके शू कवर के साथ, तो ऑलरेडी आपकी जो शूज की जो सोल होती है रेनी सीजन में वो डैमेज होने का आपको रिस्क रहता है, क्योंकि आप बहुत महंगे शूज, आप राइडिंग के शूज बहुत महंगे आते हैं, सस्ते नहीं आते हैं, तो आप बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी राइडिंग एसेसरीज गेयर्स में, तो उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए इन रेनी सीजन, स्पेशली इन वाटर एरिया जहां पे आप रेनी सीजन में जा रहे हो या फिर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां पानी होगा, तो वहां पे ये बहुत प्रोटेक्ट करता है शूज को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी एसेसरीज बहुत सारी अवेलेबल है, तो छोटी छोटी एसेसरीज में अगर आप देखोगे तो जैसे कि बंजी कॉर्ड्स हो गए, तो अलग अलग तरह के बंजी कॉर्ड्स होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट साइजेस में आते हैं, 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट, तो वो बंजी कॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। बाला क्लावास मिल जाएंगे आपको, ड्राई फिट कॉटन में मिल जाएंगे, दोनों में मिल जाएंगे आपको। आर्म स्लीव्स आपको मिल जाएंगे, जो आप गर्मी में सिटी में अगर राइड कर रहे हो और आप समझो आप शॉर्ट टी शर्ट पहनते हो, तो आप हमेशा एक रहता है कि हमारा हाथ टैन हो जाता है, बॉडी के कलर मैच ही नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप आर्म स्लीव्स पहन सकते हो। उसी के साथ अगेन देखो बाला क्लावास है, और एक और बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको शो करना चाहूंगा, वो है टैंक पैड्स, टैंक ग्रिप्स, जो आपकी ग्रिप्स जो आप टैंक पे लगाते हो, ताकि टैंक पे जब आप बैठते हो आपके राइडिंग गेयर्स पहन के, राइडिंग पैंट्स हो गया, डेनिम हो गया, या फिर आपके नी गार्ड्स हो गए, तो टैंक पे स्क्रैचेस ना आए, उसके लिए आप ये टैंक पैड्स यूज कर सकते हो, जो हमारे पास मोटो ट्रेंड्स करके एक ब्रांड है उसका अवेलेबल है। उसी के साथ आगे बहुत सारी और एसेसरीज है, जैसे कि बेस लेयर्स हो गए, बेस लेयर्स अवेलेबल है हमारे पास, टॉप और बॉटम दोनों, जो आप आपके राइडिंग जैकेट्स और पैंट्स के अंदर पहन सकते, और ये ड्राई फिट मटेरियल होता है, तो अगर आपको स्वेट हो रहा है तो उसका भी इशू नहीं है, फटाफट आप सूख भी जाता है, ऐसा मटेरियल होता है ड्राई फिट। बाकी आप देख सकते हो हमारे पास ब्लूटूथ अवेलेबल है, नॉर्मल ब्लूटूथ, फिर उसके साथ शू शिफ्ट, आपका जो शिफ्ट गियर्स होते हैं, जो गियर शिफ्ट करने के टाइम पे अगर आपके शूज में अगर ग्रिप नहीं दी हुई है गेयर शिफ्ट करने के लिए, तो ये एक चीज है जो बहुत हैंडी होती है, जो काम आती है। डिटेल में बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, हर वीडियोस में अलग अलग वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। आपकी सिलिकॉन ग्रिप्स हो जाते हैं जो आप अपने फोन होल्डर्स के पीछे लगा सकते हो। नी गार्ड्स हो गए, जैसे कि मैंने कहा आपको हमारे पास नी गार्ड्स भी अवेलेबल है, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स अवेलेबल है, नॉर्मल मास्क अवेलेबल है, तो छोटी मोटी एसेसरीज और अवेलेबल है जो डे टू डे राइड्स में, छोटी राइड्स बड़ी राइड्स में काम आ जाती है। और सेक्शन में आपको दिखाना चाहूंगा इंटरकॉम्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जो राइडर्स जिनको नॉलेज है, जो राइड ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो पता होता है इंटरकॉम्स होता क्या है। इंटरकॉम एक बेसिकली एक ब्लूटूथ ऐसी डिवाइस होती है जो आप जैसे कि एक इंटरकॉम में 4 राइडर्स कनेक्ट कर सकते हैं, इस वाले में 4 कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी आते हैं जिसमें और ज्यादा भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे इसका नाम, ब्रांड का नाम T9S, प्रोडक्ट का नाम है, ब्रांड Route 95 है, तो इसमें कैसा होता है कि 4 राइडर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट कॉलिंग ईच अदर, तो ये इंटरकॉम की एक खासियत होती है कि आपको बार बार रुक के कॉल नहीं लगाना पड़ता है। एक बार आपने अगर चारों इंटरकॉम कनेक्ट कर लिए हैं एक दूसरे से, तो खाली आपके बटन्स पे रहता है, बटन्स प्लस माइनस बटन्स पे आप प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट 1 2 3 4 जो भी आपके राइडर्स कनेक्ट होते हैं वो एक के बाद एक आप कनेक्ट कर सकते हो और उनसे कॉन्फ्रेंस में भी बात कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट होता है कि जब आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो तो आपको अगर एक दूसरे के साथ टच में रहना है तो इसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इंटरकॉम्स में भी मेरे पास वैरायटी अवेलेबल है, V9 6 है, T9S V4 है, फिर पारानी, इवन पारानी भी है मेरे पास अवेलेबल स्टोर में। बाकी और सारी चीजों में अगर मैं आपको बताऊं, तो आप जैसे देख पा रहे हो एसेसरीज में वाइड रेंज है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है एसेसरीज में, वो है फॉग लाइट्स। फॉग लाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है जब हम ऐसी, जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ नाइट राइडिंग में ही फॉग लाइट, नाइट राइडिंग में तो बहुत ज्यादा यूज आती है, बट इवन जब मोस्टली राइड जब हम स्टार्ट करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग करते हैं, और हमारी राइड जब एंड होती है तो कम से कम 7 8 इवनिंग के बज ही जाते हैं, मोस्टली तो बज ही जाते हैं।
कभी कभी आप जहां जाना चाहते हो वहां ट्रैफिक या किसी और वजह से आप थोड़ा डिले हो जाते हो, तो आपको उस टाइम पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि हम हमेशा उस उन रोड्स पे नहीं जाते हैं, वो हमारे लिए एकदम बोलते ना कि सरप्राइजिंग रोड होता है वो, कि हमको नहीं पता होता कि आगे कहीं भी कुछ भी एक गड्ढा आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, अचानक से कोई क्रॉस कर जाएगा, कोई एनिमल्स हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो विजिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसके लिए भी है फॉग लाइट्स, और फॉग लाइट्स में भी है मैड डॉग का ब्रांड जो बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, कम्स विद 18 मंथ्स वारंटी, तो उसके बारे में भी डिटेल में आगे बात करेंगे अलग अलग वीडियोस में। उसके साथ साथ मेरे पास एक और एक लो एंड ब्रांड है जिसका नाम है ऑटोफाई, जो रीजनेबल लो एंड इन द सेंस रीजनेबल ब्रांड है, वो भी 6 मंथ्स की वारंटी के साथ आता है, तो वो थोड़ा सा प्राइसिंग के हिसाब से लो है इसलिए मैंने उनको लो एंड ब्रांड बोला, बाकी अगर आप क्वालिटी वाइज देखोगे तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के फॉग लाइट्स आते हैं। उसी के साथ साथ मोबाइल होल्डर्स अवेलेबल है, मोबाइल होल्डर्स में हमारे पास एक्स ग्रिप अवेलेबल है सबसे चीप में, जो डेली कम्यूट वाले लोग हैं वो ये यूज कर सकते हैं, और उसकी उसी के साथ बोबो की पूरी रेंज है मेरे पास, ग्रैंड पेट स्टॉप है, गब करके एक ब्रांड आता है उनके भी मोबाइल होल्डर्स हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने कहा मैड डॉग, तो मैड डॉग की सारे जो बाइक्स के क्लैम्प्स होते हैं तो वो भी अवेलेबल है, साथ ही साथ मैड डॉग की सारी स्विच वायर हार्नेस सब कुछ अवेलेबल है। रैकपैक करके भी एक ब्रांड आता है मोबाइल होल्डर का, वी हैव दैट, उसकी पूरी रेंज हमारे पास है मोबाइल होल्डर्स विथ आपके फोन चार्जर्स, जैसे कि मोबाइल होल्डर विद चार्जर भी आते हैं विदाउट चार्जर भी आते हैं, तो जब विदाउट चार्जर अगर आप मोबाइल होल्डर लगा रहे हो तो उसके साथ आपको चार्जर भी चाहिए होता है, तो सेपरेटली चार्जर्स भी मिलते हैं, तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास टीआरएमसी कैलिडेट, टीआरएमसी कैलिडेट के सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास, चेन क्लीनर्स, चेन ल्यूब्स, आपके साइलेंसर कोटिंग हो गया, कार्बोरेटर क्लीनर हो गया, तो ऑलमोस्ट वो भी बहुत सारी चीजें जो एसेसरीज के अंदर आ जाती है, जो बाइक केयर में भी आ जाती है, जिसमें आपको जैसे कि मैंने कहा आपको चेन क्लीनर, चेन ल्यूब्स मिल जाते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं जब आप बड़ी बड़ी राइड्स पे जाते हो, मडी रोड्स में जाते हो, आपकी चेन्स और ये सब में डस्ट और मतलब ऐसे हो जाती है कि वो आपकी एफिशिएंसी जो होती है बाइक की वो कम करने लग जाती है, तो ये सारी चीजें तभी हैंडी होती है बहुत, तो हर राइडर जो मोस्टली जो ऑलरेडी राइड्स करते हैं वो सारी ये कैरी करते हैं, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। उसी में ही मेरे पास बाइक कैरी के अगर स्टफ में देखोगे तो विस्टा अवेलेबल है, मोट्यूल अवेलेबल है मेरे पास, एंड इवन पुटोलिन इज अवेलेबल, तो पुटोलिन भी एक बहुत ही अच्छा और नामी ब्रांड है जिसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मैट वैक्स हो गया, सिलिकॉन स्प्रे हो गया, उसी के साथ एक डॉक्टर फ्यूल डॉक्टर आता है जिसको जिसका बेनिफिट क्या रहता है वो मैं आपको आगे अलग अलग वीडियोस में समझाऊंगा, बट एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि इसका यूज होता है कि जब समझो आपको टैंक में कचरा हो या पानी फंस गया हो, मतलब पानी हो उसके अंदर आपके पेट्रोल के अंदर है, आपको फील हो रहा हो कि नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को वो एफिशिएंसी नहीं मिल रही है, तो ये अगर आप यूज करते हो, कैसे यूज करना है क्या यूज करना है वो मैं वीडियोस में बताऊंगा, बट अगर ये यूज करते हो तो आपका फ्यूल जो है फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फ्यूल की क्वालिटी बढ़ जाती है, तो ये एक चीज है जो आप यूज कर सकते हो। बाकी बाइक क्लीन करने के लिए और भी चीजें आती है, जैसे कि एक ये है मोटो मक का प्रोडक्ट है, तो इससे क्या होता है ये आप वॉश करने से पहले आप इसको स्प्रे कर दो थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट रखो, उसके बाद आप इसको वॉश करो तो एकदम बाइक जो है वो एकदम क्लीन हो जाती है, सारी डस्ट जो भी चीजें होती है बाइक में वो सब की सब निकल जाती है। जैकेट में भी वाइड रेंज अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है हमारे पास, मोटो वेयर अवेलेबल है, मोटो टेक अवेलेबल है, सोलेस अवेलेबल है जिसके जैकेट्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, जो स्टैंड अलोन आपके विंटर लाइनर्स रेन लाइनर्स के साथ आता है आजकल, और सोलेस की पूरी रेंज अवेलेबल है हमारे पास, रैम्बल जैकेट से लेके सेबरी जैकेट से लेके राइवल जैकेट से लेके पूरी की पूरी जैकेट की रेंज अवेलेबल है, फ्यूरियस के भी हमारे पास जैकेट्स अभी थोड़े टाइम में आ जाएंगे, तो टूरिंग जैकेट्स भी आ जाएंगे। पैंट्स में भी अगर आप बात करें तो सोलेस की पैंट्स में हमारे पास पूरी रेंज है, कूल प्रो जो उसकी V3 पैंट आती है वो भी अवेलेबल है, ब्लैक एंड ग्रे बोथ कलर्स में अवेलेबल है वो, और साथ ही साथ में मोटो वेयर की पैंट्स अलग अवेलेबल है। डेनिम्स में हमारे पास ज्यूस की डेनिम्स अवेलेबल है, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर्स में, तो ये जैकेट्स की अगर आप वैरायटी देखो तो जैकेट्स में हमारे पास बहुत डेप्थ है, मोटो मार्शल कंपनी के जैकेट्स अवेलेबल है, सोलेस के जैकेट्स अवेलेबल है, मोटो टेक हो गया, मोटो वेयर हो गया, XDI हो गया,
तो जैकेट्स में एक बहुत ही बढ़िया रेंज है, और भी ब्रांड्स आने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके और प्रोडक्ट्स ऐड होते जाएंगे जैकेट्स में भी। एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ जो है लगेज सेक्शन। लगेज सेक्शन में अगर बात करें तो लगेज सेक्शन में मेरे पास अगर आप ऊपर देखोगे तो वायाटेरा से लेके गार्डियन गेट्स तक पूरी की पूरी रेंज अवेलेबल है। आपके सैडल बैग्स हो गए, आपके टेल बैग्स हो गए, टैंक बैग्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी बैग्स मोस्टली होते हैं, छोटी छोटी गार्डियन गेट्स के छोटे छोटे बैग्स भी आते हैं, जैसे स्लिंग बैग हो गया, आपका बैकपैक हो गया, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है लगेज में भी। जैसे कि आपके मैग्नेटिक टैंक बैग हो गया, नॉन मैग्नेटिक टैंक बैग हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। छोटी छोटी और चीजें भी अवेलेबल है लगेज में, जैसे कि वेस्ट पाउच हो गया, वॉलेट्स अवेलेबल है, वो भी छोटे छोटे लगेज जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। एक और सेक्शन में दिखाना चाहूंगा, वो है हमारा लगेज का ही सेक्शन है जिसको हम हार्ड सेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास टॉप बॉक्स अवेलेबल है, शैड टॉप बॉक्स में अगर बात करूं तो मेरे पास शैड के टॉप बॉक्स अवेलेबल है फाइबर में, जिसमें आपको अलग अलग लीटर्स के मिल जाएंगे, 28 लीटर्स हो गया, 33 लीटर्स हो गया, 42 लीटर्स हो गया। उसी तरह कोकेज एक ब्रांड है जो मेरे पास अवेलेबल है हमारे पास, उसमें भी आपको वेराइटीज मिल जाएंगी, अलग अलग लीटर्स के मिल जाएंगे फाइबर में, और उसी के साथ साथ पैनियर्स भी अवेलेबल है, शैड के पैनियर्स अवेलेबल है, ऑरेंज कैंडी के भी टॉप बॉक्स अगर आप देख सकते हो ऊपर, ऑरेंज कैंडी के टॉप बॉक्स भी पड़े हुए हैं, सिल्वर में है, ब्लैक में है, कैमोफ्लेज में है। तो और उसी के साथ साथ एक लो एंड, जैसे कि आप रीजनेबल प्राइस की बात कर रहे हो, तो स्टड का भी टॉप बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है विद ऑल फिटिंग्स। सो गाइज, मैं अब आपको हमारे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर है लेट्स से कि उनसे मिलवाना चाहूंगा, जिनका नाम है अंकेश, और ये एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक हाँ ये एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन भी है, और हमारी जितनी भी और एक हमारी स्टोर की सेल्स हो गई, आपको जो भी राइडिंग गेयर एसेसरीज खरीदनी हो उसमें भी हेल्प करेंगे आपकी सारी पूरी, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि हमारी जो हार्ड एसेसरीज होते हैं, जैसे कि क्रैश गार्ड्स हो गए, टॉप रैक हो गए, आपके सैडल स्टेज हो गए, आपको टॉप बॉक्स फिट करना है, हेडलाइट ग्रिल फिट करना है, या फिर मोबाइल होल्डर्स फिट करने हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इनको बड़ी अच्छे से फिट करना आती है, और मैं आपको दिखा देता हूं कि हम सारी की सारी जो भी फिटिंग्स होती हैं वो हम यहीं लेफ्ट साइड के यहाँ बाहर जो हमारे पास स्पेस है, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है, हम आराम से यहाँ सारी की सारी फिटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। सो उसका भी आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी फिटिंग्स एट लेट्स राइट हो जाएंगी। तो गाइस, ये मैंने आपको एक पूरा टूर दे दिया है हमारे स्टोर का, और बाकी और कोई भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए, हमारे कांटेक्ट डिटेल्स, हमारा एड्रेस, लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कभी भी कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कोई नॉलेज चाहिए हो प्रोडक्ट्स का, आप प्लीज कॉल करें, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप हमसे खरीदें तो ही हम आपको गाइडेंस देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम भी राइड करते हैं तो हम हमेशा रेडी रहते। तो दैट्स व्हाट वाज माय स्टोर, एंड आई होप आपको स्टोर अच्छा लगा हो, और जब भी आपका मन करे आप विजिट कर सकते हैं हमारे स्टोर में, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, और मैं होप करता हूँ कि आप तक ये वीडियो पहुंचे और आप इस वीडियो को जरूर पसंद भी करें, और हमें भी अच्छा लगता है अगर हमें राइडर्स सपोर्ट करें, तो हमें भी और मन करता है कि हम और इंडस्ट्री में आगे जाएं और जितने हो सके उतने प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ लाने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द अदर डिटेल्स विल बी देयर ऑन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।